हे आचार्य संशिरोमणि आपको मेरा नमन। हे यतिराज धर्म प्रणेता आपको मेरा नमन। जन आराध्य जन उदारक आपको मेरा नमन। हे मोक्ष मार्गी अंतरयात्री आपको मेरा नमन। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। मुनिश्री 108 कुंतू सागर महाराज जी के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 3 है गुरु के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने का परिणाम। यह संस्मरण उस समय का है जब नरसिंहपुर जिले में करेली नगर के पास एक छोटा सा गांव आम गांव है जहां का गुड़ प्रसिद्ध है। उस समय पूज्य गुरुवर की आज्ञा से पूज्य मुनिश्री पुष्पधन सागर जी और मैं आम गांव में पंचकणक के लिए गए हुए थे। वहां प्रवास चल रहा था और पंचकणक की चर्चा हेतु करेली जैन समाज के अध्यक्ष प्रभात जी एवं उनकी कमेटी और आमगांव समाज के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जैन एवं वहां के समाज के गण बैठे हुए थे। पंचकणक की चर्चा होने को उपरांत एक सज्जन जो कि अजैन थे जैनितर बंधु थे वह दर्शन करने के लिए आए और नमस्कार करके वहीं पर बैठ गए और बोले महाराज हमें आशीर्वाद दो ताकि बचा हुआ जीवन हमारा अच्छे से निकल जाए। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा क्यों क्या हो गया। वह बोले महाराज पहले कैंसर हो गया था अब तो आपके गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी कृपा से सब ठीक हो गया है। पर उन्होंने बताया कि आपके गुरु विद्यासागर जी महाराज कुछ वर्ष पहले मड़िया जी में विराजमान थे। मैं वहीं मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती था डॉक्टरों ने चलने फिरने को मना कर दिया था लेकिन मैंने सोचा जीनियों के इतने बड़े महाराज आए हैं उनके दर्शन तो करेंगे और उनके दर्शन करने के लिए मैं गया और उन्होंने ओम शांति करके आशीर्वाद दिया और जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया वैसे मेरे शरीर में एक अलग प्रकार की स्फूर्ति आ गई। जब से मैं स्वास्थ्य का अनुभव करने लगा और डॉक्टर भी बोले बड़ा चमत्कार हो गया आपको इतना अच्छा आराम लग गया है और मैं घर आ गया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। यह सब आप लोगों की कृपा है आपके गुरु यहाँ पर नहीं हैं पर मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे यही प्रार्थना रखता हूँ यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आप लोगों की कृपा हम पर ऐसी बनी रहे। बंधु यह है सच्ची श्रद्धा का परिणाम। जो व्यक्ति एक बार सच्ची श्रद्धा से आचार्य के दर्शन करता है उसके जीवन में ऐसा ही चमत्कार घटित होता है। आत्मा भी पवित्र होती है और शरीर भी स्वस्थ होता है। श्रद्धापूर्वक गुरु दर्शन का परिणाम हमने आपको बताया। नमस्कार तो सभी लोग करते हैं लेकिन श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं उन्हीं को फल प्राप्त होता है क्योंकि श्रद्धा की मूर्ति पर हर कोई आते हैं अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाने पर वही साथ कुछ ले जाते हैं। जो साथ में श्रद्धा लेकर के आते हैं समर्पण लेकर के आते हैं आप भी इसी प्रकार से श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के दर्शन करिएगा आपके जीवन में भी चमत्कार घटित होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।